नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं सीतापुर स्थित किसान ट्रैक्टर्स पे, जो कि स्वराज ट्रैक्टर की एजेंसी है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वराज 825 XM ट्रैक्टर के बारे में। पूरे स्पेसिफिकेशन और फीचर्स आप लोगों को बताएंगे, तो वीडियो के साथ में बने रहें दोस्तों। तो पहले आप लोग ट्रैक्टर का व्यू देख लीजिए। साइड प्रोफाइल से कुछ इस प्रकार का ट्रैक्टर का व्यू है, जैसा कि अन्य स्वराज के ट्रैक्टर हैं सेम उसी टाइप से आपको व्यू देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर बॉडी ग्राफिक्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जिससे ट्रैक्टर का लुक और भी इन्हेंस्ड हो जाता है दोस्तों। चलिए फ्रंट से आप लोगों को ट्रैक्टर का व्यू दिखा देते हैं। फ्रंट से हैलोजन हेडलैम्प्स आपको देखने को मिल जाती हैं, साथ ही स्वराज का लोगो देखने को मिलता है, जो कि 3D के साथ में है। और दोस्तों इस साइड से कुछ इस प्रकार का ट्रैक्टर का व्यू है, जहाँ पे स्वराज 825 XM की ब्रांडिंग देखने को मिलती है बॉडी ग्राफिक्स के साथ में। तो दोस्तों आप लोगों को ट्रैक्टर के ऊपर चल के ट्रैक्टर का व्यू दिखा देते हैं। यहाँ पे चढ़ने के लिए यहाँ पे सिंगल फुट स्टेप आपको देखने को मिल जाता है, और वहीं स्वराज के अन्य ट्रैक्टरों के जैसा इसमें प्लेटफार्म आपको देखने को मिलता है। ऊपर से कुछ इस प्रकार से ट्रैक्टर का व्यू है। यहाँ पे बैठने के बाद कुछ इस प्रकार का ट्रैक्टर का व्यू आपको देखने को मिलेगा। डैशबोर्ड की अगर बात करें तो ये रेस मीटर आपको देखने को मिल जाता है, और बैटरी मीटर, ऑयल प्रेशर और डीजल मीटर, ये एनालॉग वाला है स्पीडोमीटर दोस्तों। और वहीं नीचे यहाँ पे आपको हेडलाइट के लिए स्विच मिल जाते हैं, और फुल स्टार्ट के लिए ये मिल जाता है कंप्रेसर, और ये यहाँ पे की स्विच देखने को मिल जाता है दोस्तों। दोस्तों तो आप लोगों को पहले ट्रैक्टर का इंजन का व्यू दिखा देते हैं, उसके बाद में पूरी जानकारी आप लोगों को इंजन के बारे में देते हैं। तो आप लोग देख लीजिए, ये सिंगल सिलेंडर के इंजन के साथ में ट्रैक्टर है दोस्तों। वाटर कूल्ड इंजन है इसका दोस्तों, 1538 सीसी के साथ में इसका इंजन है, और 1650 रेटेड आरपीएम पे पूरे 25 एचपी की पावर ये ट्रैक्टर दे देता है। और इंजन का व्यू आप लोग देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से इंजन का व्यू है। और ये यहाँ पे लिफ्ट के लिए पंप आपको देखने को मिल जाती है। ये वाटर सेपरेटर देखने को मिल जाता है दोस्तों। और एयर क्लीनर की अगर बात की जाए तो इस ट्रैक्टर में आपको 3 स्टेज वाला ऑयल बाथ एयर क्लीनर देखने को मिल जाता है दोस्तों। तो चलिए बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के ट्रांसमिशन की, गियर बॉक्स की। तो ये ट्रैक्टर सिंगल क्लच के साथ में है दोस्तों, और सेंटर शिफ्ट के साथ में ट्रैक्टर है। वहीं नंबर ऑफ गियर्स की अगर बात की जाए तो 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर के साथ में ट्रैक्टर है दोस्तों, लो हाई के साथ में, और ट्राई डिस्क ब्रेक के साथ में ट्रैक्टर है दोस्तों। और लिफ्ट की अगर बात की जाए तो ADDC कंट्रोल लिफ्ट आपको इस ट्रैक्टर में मिल जाती है, जो कि 2 लीवर के साथ में है, एक है ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर, एक है पोजीशन कंट्रोल लीवर दोस्तों। और वहीं लिफ्ट कैपेसिटी की अगर बात की जाए तो 1000 kg की इस ट्रैक्टर में आपको लिफ्ट कैपेसिटी मिल जाती है, जो कि आयसर 242 से अगर कंपेरिजन करें तो 1 क्विंटल अधिक है दोस्तों। दोस्तों डीलक्स सीट इस ट्रैक्टर में आपको मिल जाती है, जिसको आप एडजस्ट कर सकते हैं आगे पीछे और अपने वेट के हिसाब से दोस्तों। ये है इस ट्रैक्टर का PTO लीवर, जिसमें आपको मिल जाती है 540 चक्कर के साथ में और 1000 चक्कर के साथ में PTO। ये ऑप्शनल रहता है, अगर आप चाहें तो 540 या चाहें तो 1000 वाला ले सकते हैं दोस्तों। बैक साइड से कुछ इस प्रकार का ट्रैक्टर का व्यू है, और ट्राली के हुक की अगर बात करें तो एडजस्टेबल वाला ट्राली का हुक मिल जाता है, जो कि काफ़ी मोटा है, हैवी ड्यूटी है। और वहीं रियर एक्सल की बात की जाए तो स्ट्रेट एक्सल आपको देखने को मिलती है, और उसी के साथ में ग्रीसिंग पॉइंट देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। लिफ्ट पट्टी में आपको यहाँ पे जैक्स देखने को मिल जाती हैं, और सीट के पीछे आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है, और वाटर बॉटल वाला स्टैंड आपको देखने को मिल जाता है, और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को जोड़ने के लिए यहाँ पे 1 7-pin सॉकेट देखने को मिल जाता है। और वहीं मोबाइल चार्जिंग के लिए यहाँ पे आप को एक बॉक्स देखने को मिल जाता है।
दोस्तों बात करें अगर इस ट्रैक्टर के टायर साइज की, तो पीछे के टायर ट्रैक्टर में आपको 12x28 के मिल जाते हैं और आगे के टायर ट्रैक्टर में आपको 6x16 वाले मिल जाते हैं। तो लास्ट में चलिए बात कर लेते हैं इस स्वराज 825 XM ट्रैक्टर के प्राइस की, कीमत की, जो कि 25 HP कैटेगरी के साथ में ट्रैक्टर है दोस्तों। तो ये स्वराज 825 XM आपको पड़ जाएगा 3,70,000 रुपये में। और वहीं अगर कंपैरिजन करें आयसर 242 से, तो इसकी कीमत लगभग 20,000 रुपये कम है आयसर 242 से। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और आप कांटेक्ट करना साथ चाहते हैं तो शोरूम का कांटेक्ट नंबर आपको इसी वीडियो के थंबनेल पे मिल जाएगा, और कमेंट करके भी मोबाइल नंबर प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो फिर मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ में।